हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। सो आज हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कंकेव मिरर। सो कंकेव मिरर में हमने रूल्स की बात कर ली थी, कन्वेक्स मिरर में भी रूल्स की बात कर ली थी कि रूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम। हमारे पास दोनों के लिए ही चार चार रूल्स थे, ठीक है, तो हमने रूल्स की बात कर ली थी। चलिए तो क्विकली स्टार्ट करते हैं, कंकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज अ कंकेव मिरर, राइट हैंड साइड पे इसको हमने थोड़ा सा पॉलिश कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑब्वियसली द पोल एंड दिस इज सपोज दैट, ओके, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चे, सो आप देख सकते हैं, तो हमें द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमें फर्स्ट कंडीशन लेना है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, सो इन्फिनिटी को ड्रॉ करने के लिए हम स्टार्ट विद अ डॉटेड लाइन फर्स्ट। सो फर्स्ट मेक द ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम दो रूल्स लगाने के लिए कैपेबल नहीं है ज्यादा, इसलिए वी विल स्टार्ट विद दिस डॉटेड लाइन। ओके, सो एंड देन उसके बाद फॉलो करेंगे रेगुलर लाइन से ऑब्वियसली, और ये लेंथ इक्वल लेना है। सी मेरा थोड़ा सा गलत है, मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। ओके चलिए, तो इसको फोकस के थ्रू ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट बैक होगा। फर्स्ट रूल फर्स्ट लगाया मैंने, द लाइन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द फोकस। ओके, एंड दिस वाज द फर्स्ट रूल दैट आई अप्लाइड। नाउ द सेकंड रूल, इफ द लाइट गोज अगेन, आई एम अप्लाइंग द सेम रूल बिकॉज वी कैन नॉट अप्लाई एनी अदर रूल। ओके, ओवर हियर। ओके, सो इफ द लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द फोकस, एंड दैट्स अगेन। सो एज यू कैन सी कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ हमारे फोकस पे, फोकस पे बहुत छोटा सा इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इमेज फॉर्म डेट इमेज फॉर्म एट फोकस, ओके, एंड हाईली डिमिनिश्ड, इट्स वेरी स्मॉल, हालांकि आपको ये दिख नहीं रहा होगा। ओके, क्योंकि जैसे ही अभी हम आगे बढ़ेंगे बियॉन्ड सी आएंगे तो आपको देखोगे छोटा इमेज फॉर्म होता हुआ, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा फॉर्म हुआ, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, अभी रियल वर्चुअल क्या होगा, इरेक्ट होगा, अभी हालांकि इमेज तो इसमें इन्वर्टेड फॉर्म होगा। ओके, रियल वर्चुअल को जरा समझ लेते हैं। ऑब्वियसली ये बिहाइंड द मिरर पोजीशन, ये पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल कब होता है, इफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर और इनसाइड द मिरर, ठीक है। तो इमेज हमारा किधर फॉर्म हुआ, इधर, तो हमें इसको ऑब्टेन करने के लिए कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए होगा, तो देयरफॉर दिस बिकम द रियल साइड एंड दिस बिकम द वर्चुअल साइड। ओके बच्चे, चलिए, so obviously as you can see the real side, the real image is therefore real and inverted, why, that you cannot see here as well। okay, so aapko thoda sa intezar karna padega agle wale ke liye। okay, yahan pe aapko jaise actually main ye agar aap dekhna chaho ya fir koi virtual labs pe chale jana, aap jaise hi thoda sa bhi idhar aise karoge to yahan pe chhota sa image, jaise hi ye matlab suppose that let me get my another marker, okay, suppose that this one, okay, तो जैसे ही हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हल्का सा ही लेके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे ग्रो होता चलेगा, और यहाँ पे जब भी आएगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे जाएगा ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे ये फोकस पर चलेगा तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, पैरेलल लाइंस निकल जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद और जाएंगे तो फिर से यहाँ से इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो ये आप ओबीएस वर्चुअल लैब्स पे देख सकते हो चाहो तो आप करके, और मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की। तो रियल इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म एट फोकस, हाईली डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, रियल नॉट वर्चुअल, सॉरी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोजिशन वेयर वी शुड कीप द ऑब्जेक्ट, वी शुड कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है भाई, हमें बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड सी मीन्स सी के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, और यू कैन से टू एफ के बाद। ओके, तो यहाँ मैं एफ लिया, मैंने इतना बड़ा एफ है तो इतना ही बड़ा सी लेना पड़ेगा। ओके, सी ले लिया मैंने। ओके,
तो फिर चलिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट्स को रख लेता हूँ, ओके यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, तो फिर से लाइट रे पैरेलल गया, फिर फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट किया। हालांकि आपकी मर्जी है आप कौन सा रूल यूज करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट रूल फर्स्ट लिया था, अभी सेकंड रूल या थर्ड रूल कोई भी ले सकता हूँ। चलो मैं सेंटर कर्वेचर वाला रूल ले लेता हूँ। सो ऑब्वियसली इफ द लाइट रेज गोज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम पाथ, ओके जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस चला जाएगा। ये पैरेलल गया था, फोकस के थ्रू आया, तो आप देख सकते हो इमेज फॉर्म हुआ है इन बिटवीन सी एंड एफ, और छोटा ही फॉर्म हुआ है, देख सकते हो आप हाइट कंपेयर कर लो, ये हाइट इतना ले रहा है और ये ऑब्वियसली बड़ा है इससे, और ये उल्टा भी है, ठीक है उल्टा भी है, तो आप अब आइडिया लगा पा सकते हो। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म कहाँ हुआ और कैसा हुआ हम बात कर लेते हैं जरा सा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वॉज एट, ऑब्जेक्ट वॉज बियॉन्ड सी, सी के बाद है बियॉन्ड सी, ओके इमेज कहां फॉर्म हुआ, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और रियल इन्वर्टेड क्योंकि ये रियल साइड है और उल्टा इमेज फॉर्म हुआ है, दैट्स व्हाई द इन्वर्टेड, ओके रियल एंड इन्वर्टेड विल कंटिन्यू। हाँ अभी हमने देखा छोटा हुआ है, कॉम्परेटिवली छोटा हुआ है, तो दैट्स व्हाई डिमनेस ओनली, ओके ओके। सो हियर वी सॉ, हमने दो देख लिया, अभी हम तीसरे की ओर चलते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये जब भी रे बनाएं आप स्केल का यूज करें, ये यूनिट्स अगर सपोज दैट इसको 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसको भी 5 सेंटीमीटर लीजिए, इसको 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसको भी 2 सेंटीमीटर लीजिए, ऑलवेज यूज स्केल। मैं अपर्चर के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमें कभी कभी उतना स्पेस नहीं होता, तो हम अगर अपर्चर के हिसाब से कंसिडर करने लगेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है, तो हमें वो कंसिडर करके चलना है और हमें अपना काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, एट सी रखेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज देखते हैं कहां फॉर्म होता है, कैसा फॉर्म होता है, रियल इन्वर्टेड तो अभी भी होना है, ओके लेट्स सी, बट हम देखेंगे रियल इन्वर्टेड हुआ या नहीं, ओके सो लेट्स सी। Okay, so here what we have, again हम यहाँ से focus ले लेते हैं, यहाँ पे center of curvature ले लेते हैं, let's see if it is correct, no it's not correct, okay, so अब हमें object कहाँ रखना है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से बनाना होगा, थोड़ा सा भी आप गलती करोगे क्योंकि यहाँ पे मुझे draw करने में problem होने जा रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये free hand diagram मुझे draw करना पड़ता है, ऊपर से यहाँ पे marker थोड़ा सा फिसलता भी है, so let me try to do as better I can. Okay, so the first rule first, I again applied and obviously if it will go through the focus, okay, and second rule again I want to apply, then obviously, okay, so second rule laga hua hai maine, so approximately thoda sa gadbad hi bana kitna bhi koshish karne ke baad, okay let me try to redraw it, okay main fir se koshish karta hu taki main thoda sa sahi kar dun, okay and it if it is going through this obviously it will reflect back like this, okay great, okay सो आप जब स्केल से बनाओगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके बनाने के लिए, ओके तो देख सकते हो ये जितना हाइट है अप्रोक्सीमेटली वही हाइट यहाँ भी है, देख सकते हो, ठीक है। सो जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, ओके इफ ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट सी, तो सी पे ही इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड तो होता ही है, देख सकते हो ये सेम साइज है, रियल साइड पे है, दिस इज आवर रियल साइड, ओके और ये क्या है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है, सेम साइज approximately, अभी मैं same size कहने के लिए बहुत correct तो नहीं हूँ क्योंकि but approximately same है, ठीक है आप इसको agree कर लीजिए क्योंकि draw करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, okay now moving to the next part and now we will keep our object, कहाँ रखेंगे हम, C और F के बीच में,
चलिए रखते हैं और ड्रॉ करते हैं। ओके चलिए सो हियर वी हैव सी एफ एंड सी लेट मी सी नो ओके सी एंड एफ हमें कहां रखना है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं बिटवीन सी एंड एफ तो यहां कहीं रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को सो आपकी मर्जी है आप कौन सा रूल लेना चाहते हो अभी तक मैंने दो थर्ड तक ले लिया है तो इस बार मैं फोर्थ लेने की कोशिश करूंगा सो फर्स्ट रूल फर्स्ट मैंने लगाया अगेन लेकिन सेकंड वाला रूल मैं फोर्थ वाला चूज करूंगा ओके फर्स्ट रूल फर्स्ट एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक ओके इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड देन आई अप्लाई दिस fourth rule that is angle of incidence equals to angle of reflection and as you can see the image has been formed over here okay image kahan form hua beyond c aapko dikhai de raha hoga theek hai so image formed beyond c aur kaisa image hai obviously height jo hai bada dikh raha hoga object humne itna acha rakha tha aur object ki height kafi badi hai तो enlarged है ओके एंड ऑब्वियसली इट्स ऑन द रियल साइड ये रियल साइड पे ही है तो हम इसे रियल भी कहेंगे और इन्वर्टेड आपको क्लियरली दिख रहा है ओके चलिए हम बहुत जल्दी ही पहुंच गए हैं अपने फोकस की ओर तो हम फोकस पे भी अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं और चेक करते हैं ओके इफ वी कीप आवर ऑब्जेक्ट एट फोकस व्हाट हैपेंस ओके अपर्चर तो मेरा खराब हो चुका है ओके ओके सो हियर इज आवर सेंटर फोकस ओके सी एफ एंड आई केप्ट द ऑब्जेक्ट ऑन फोकस व्हाट वी कैन डू इफ यू वांट टू अप्लाई द फर्स्ट वन फर्स्ट और व्हाटएवर इफ यू वांट टू अप्लाई सेंटर कर्वेचर यू कैन अप्लाई दिस वन एज वेल लेट मी अप्लाई द फर्स्ट वन फर्स्ट एंड आई विल अप्लाई ओके द फर्स्ट रूल फर्स्ट तो यहां से पैरेलल गया और फोकस के थ्रू वापस आ गया ओके अगर आप चाहते हो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले भी रूल्स से अप्लाई कर सकते हो कोशिश कर सकते हो इसको बट देखता हूं मैं कर देता हूं इसको ओके 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 बहुत अच्छा बना है ओके एज यू कैन सी द लाइन गोज पैरेलल ठीक है लाइन पैरेलल बन रहा है ओके थोड़ा बहुत टिल्टेड हो गया है यू आप थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा लाइन पैरेलल जा रहा है ओके एंड हम क्या जानते हैं लाइन पैरेलल मीट्स पैरेलल लाइन मीट्स एट इंफिनिटी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यही लाइट गया और इसी लाइट से वापस चला है रिफ्लेक्ट बैक होकर आप चाहो तो और भी एक रूल यूज कर सकते थे यहाँ पे ये वाला यूज कर सकते थे इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल और ये थोड़ा सा आपको इजीली बना के देता है यहाँ भी देख सकते हो पैरेलल रे निकल रहा है तो आप ये भी यूज कर सकते हो इंस्टेड आप ये यूज कर लो या ये यूज कर लो इट्स ऑल ऑन यू आप चार रूल में से कोई भी दो यूज करना है आपको रे कट करवाने हैं ठीक है तो यहाँ ये वाला भी देख सकते हो कि पैरेलल आ रहा है या तो ये वाला भी पैरेलल आ रहा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है ऑब्वियसली एट इन्फिनिटी ओके तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था एट सी एट एफ An image formed beyond, sorry, obviously at infinity and highly enlarged. Okay? अब ये बहुत बड़ा object image form होगा तभी तो जाके infinity भी बहुत बड़ा कहीं जाके match करेगा ठीक है तो वो हमें नहीं पता So object at F focus, an image formed at infinity, highly enlarged. Highly enlarged, real and inverted, obviously. Okay, and that's all. And now we are coming to an end for this one, for the concave mirror. And what we have, if the object is kept between F and P, between pole and focus. So, यहाँ पे काफी interesting case होने वाला है.
यहाँ पे पैरेलल लाइंस भी नहीं आएंगे, हमारा डाइवर्जिंग लाइंस आने वाला है, जरा करके देखते हैं हम लोग कैसे आ रहा है ये। ओके चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ पे ठीक है, ये इतना ही बड़ा है, नहीं ये थोड़ा और बड़ा लेना था। ओके सो ये एफ है, ये सी है। ओके अभी हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। सो आई कैप्ट ऑब्जेक्ट भैया सी। सो व्हाट विल हैपन, अभी पैरेलल रूट फर्स्ट रूल फर्स्ट लगाया, अगेन फोकस के थ्रू आया। ओके अब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ डाइवर्जन लगा दो, ये जो एंगल है उसी एंगल के साथ इसको डिफ्लेक्ट करा। सॉरी अब आप देख सकते हो क्लियरली दिस टू लाइंस आर गेटिंग डाइवर्ज। ओके और डाइवर्जिंग लाइन कभी मीट नहीं करते, इन्फिनिटी पे भी नहीं मीट करते, अगर पैरेलल लाइंस होते तो मैं कह देता कि इन्फिनिटी पे वो मीट कर जाते, बट डाइवर्जिंग लाइन ऑब्वियसली डू नॉट मीट एट इन्फिनिटी। तो हम इसे क्या करना शुरू करते हैं, हम इसे थोड़ा सा बैकवर्ड प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। बैकवर्ड जब आप इसे प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जहाँ पे ये मीट करते हैं वहाँ पे ये इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और ये कैसा आप देख सकते हो कि इमेज कैसा हुआ है, इनलार्ज हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैंने इतना सा ही रखा था और ये इतना बड़ा इमेज फॉर्म हुआ है, तो इनलार्ज तो फॉर्म हुआ है। ओके सो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ एंड इमेज कैसा फॉर्म, ओके इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर। ओके उसके बाद इनलार्ज आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, बड़ा तो हुआ है। ओके इनलार्ज इरेक्ट है, सीधा है, जैसा रखा था ऐसे रखा था, ऐसे ही फॉर्म हुआ है, तो इरेक्ट। और वर्चुअल, क्यों वर्चुअल, क्योंकि ये साइड हमारा रियल था और ये साइड हमारा वर्चुअल था, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है। ओके सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो चुका है। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टाटा।